मैं उस पोस्टर की ही बात कर लेता हूं। आज पूरे देश में पोस्टर को लेकर चर्चा है ना सर, पूरे देश में पोस्टर को लेकर चर्चा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा ये तस्वीरें अगर हम फुल फ्रेम दिखा पाए राकेश जी को। जी राकेश जी, ये पोस्टर पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसमें एक नारा लिखा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। प्लीज राकेश जी स्क्रीन पर। राकेश जी, आज पूरा दिन भर सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस पोस्टर को देखा फॉरवर्ड करके हटा के राइट लेफ्ट बाय बाय, सबसे ज्यादा भाजपाइयों ने देखा। तो मैं इसलिए आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं सर, इस पोस्टर में आपत्तिजनक है क्या? इस पे लिखा है मोदी हटाओ देश बताओ, इसमें आपत्तिजनक क्या है? पोस्टर में आपत्तिजनक ये है कि जब राजनीतिक दल कोई किसी दल का विरोध करता है, सरकार का विरोध करता है, तो खुलेआम मैदान में आता है। हाँ। लेकिन इस पोस्टर से ये साबित होता है कि विपक्ष कितना हताश है, निराश है, अपनी पार्टी का नाम नहीं देना चाहता है। अरे आपको सरकार का विरोध करना है, माननीय प्रधानमंत्री का विरोध करना है, तो आइए खुल के ना, चुपके चुपके क्या। लेकिन डर है विपक्ष के नेताओं को कि कहीं जनता उल्टे। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। नहीं राकेश जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें आपत्तिजनक क्या है? तिलक जी, आपत्तिजनक ये है कि प्रिंटिंग का प्रेस का नाम नहीं है। अच्छा, किसी का कौन कर रहा है? अगर आप कोई विदेशी ताकत, कोई तमाम खुफिया एजेंसी विदेश की है, वो पोस्टर चिपकाने लगे तो सही माना जाएगा? अगर आम आदमी पार्टी के अंदर दम है, विपक्ष के अंदर दम है, तो मैदान में आइए ना। लेकिन जनता का डर है, जनता मोदी के साथ है, जनता मोदी को आशीर्वाद दे रही है लगातार, कहीं जनता ना नाराज हो जाए और उसका खामियाजा। तो ये पूरी दिल्ली में इस वक्त की कार्रवाई हो रही है कि जो भी पोस्टर बिना प्रिंटिंग के या फिर खास तौर पर इसी पोस्टर पर सबकी नजर गई? अरे भैया, जिन लोगों ने जो समर्थन में आए ना, अपनी पार्टी का नाम क्यों नहीं देते? हाँ। आप पार्टी का नाम दीजिए, प्रिंटिंग प्रेस का नाम दीजिए, हमारे खिलाफ आंदोलन करिए। लेकिन उनको पता है कि राजनीतिक दल को, सारे विपक्ष के नेताओं को पता है कि जनता मोदी जी के साथ है।